दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में नगर निगम के अतिथि भवन में बुधवार को वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन व स्वास्थ्य प्रशासन को लिखित रूप से अनुरोध किया था कि दवा दुकानदारों का भी कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे लहर में पूरे दवा के दुकानदारों ने अपने जीवन की चिंता किए बगैर पूरे समय आम जनमानस को दवाओं की आपूर्ति की, जिसमें कई दवा दुकानदार व उनके परिवार के लोग भी कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने दवा विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों के लिए 16 और 17 जून को टीकाकरण का समय दिया था, जिसके तहत 16 जून की सुबह से दवा विक्रेताओं ने नगर निगम के अतिथि गृह में उपस्थित होकर अपना टीकाकरण कराया। उन्होंने बताया कि 16 जून के टीकाकरण में 188 दवा विक्रेताओं ने कोविड का टीकाकरण कराया। इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. पांडे, दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश तुलसियान, अनुराग अग्रवाल, संगठन मंत्री विनोद गुप्ता, अविनीश अग्रवाल, राजीव त्रिपाठी, रवि जायसवाल, राहुल दुबे, दुर्गेश शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। जो पिछला कोरोना काल का समय था और इस कोरोना काल का जो समय है, दोनों में हमारे दवा व्यापारी रेगुलर फील्ड में रहे हैं और लगातार काम किए हैं फ्रंट लाइन वर्कर के तरह से। जैसे डॉक्टर्स निकले हैं, पुलिस वाले निकले हैं, स्टाफ नर्स निकली हैं और तमाम सफाई कर्मी निकले हैं, वैसे हम लोग भी निकले हैं। सरकार से हम लोग भी मांग थी कि हमको भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए, सरकार ने नहीं किया। आगे हो सकता है सरकार के समझ में आए कुछ करे, क्योंकि हम भी और हमारे दवा विक्रेता भी रोज ही घरों से निकले हैं, पिछले कोरोना में और इस कोरोना में। और ज़्यादातर दवा विक्रेता हमारे संक्रमित हुए हैं प्रदेश में, तमाम जिलों में कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस दौरान मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से, सीएमओ महोदय से, एडिशनल सीएमओ महोदय से सबसे हम लोगों ने वार्ता किया था। मैं था, हमारे महामंत्री आलोक चौरसिया जी थे, हम सभी लोग मिलकर वार्ता किए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित भी किया था। और आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से एक कैंप लगाया गया है, जो हमारे दवा विक्रेता हैं वो और जो उनके स्टाफ हैं वो, उन सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्योंकि दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो कोरोना से हमारी सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद हमको एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है, जिससे हम मजबूत हो जाते हैं अंदर से और कोरोना का खतरा टल जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर आज ये कैंप लगाया गया है। डॉक्टर ए.के. पांडे जी भी हमारे साथ है, आपका भी बड़ा सहयोग रहा है और ये सब मिला के, और हमारे सारे दवा विक्रेता आए हैं और वो लोग बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं, चूँकि डिजिटल का समय है। अब बहुत सारे स्टाफ हैं जो डिजिटली रूप से स्ट्रांग नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ ऐसी व्यवस्था हुई है कि अगर आप आधार कार्ड लेके भी आएंगे तो आपको वैक्सीनेट करा दिया जाएगा। तो जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य प्रशासन का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।